Welcome to your channel Bio in Mind, and I am here with a new video that is from the fundamental unit of life, and the topic is nucleus. Understand? देखिए वहाँ पे न्यूक्लियस का डायग्राम है, ठीक है. न्यूक्लियस का डायग्राम हम देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लोलस है, न्यूक्लियर पोर है, और ये क्रोमैटिन फाइबर्स है, ठीक है. एक ऐसे रफ स्केच है, ये रफ डायग्राम है. जब हम टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि डायग्राम बोल क्या रहा है, ठीक है ना. देखिए, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल एज इट्स कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल. ठीक, हमारे भी शरीर में दिमाग है, ब्रेन है. वो क्या करता है, उसका काम क्या है? इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, थिंकिंग पे ही सारा फंक्शन डिपेंड करता है. हमें करना क्या है, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे, ठीक. और बिना सोचे जो काम करता है वो कुछ पागलों की श्रेणी में रहता है, ठीक है ना. तो बिना सोचे हमें कोई काम तो करना नहीं है, तो बिना सोचे सेल भी कोई काम नहीं करता है. तो ये सोचने वाला काम कौन करता है, उसका भी, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को बोलते हैं. कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल. देखिए फंक्शन आते हैं न्यूक्लियस का लिखने को एग्जाम में, ठीक है. एग्जाम में न्यूक्लियस का फंक्शन भी आता है, न्यूक्लियस के बारे में भी आता है, ठीक. तो अभी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. देखिए, द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो डबल लेयर कवरिंग आपको दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक, ये डबल लेयर जो कवरिंग था उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक ना. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इनसाइड टू द साइटोप्लाज्म. देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स छोड़ गए, ये सारे पोर्स हैं, ये यहाँ मैंने लिखा भी है न्यूक्लियर पोर इसको, ठीक है. तो ये जो पोर्स है ये करते क्या है, तो इट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल. ठीक, ये करते क्या है कि मटेरियल को ट्रांसफर करने में, जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जो मटेरियल ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये सेल बहुत बड़ा होगा, तो सेल न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होगा, तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जो मटेरियल को ट्रांसफर करना है, एंट्री और एग्जिट करना है, ठीक है, तो इसमें कौन करेगा भाई हेल्प इसका, तो ये न्यूक्लियर पोर जो है ये इसका हेल्प करेंगे, ठीक है, मटेरियल को ट्रांसफर करने में. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली वेन द सेल इज अबाउट डिवाइडेड. देखिए यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फाइबर्स, ये सब का काम क्या है कि ये रॉड शेप स्ट्रक्चर, जैसे सेल को रॉड शेप में बना जाता है ये सेल, ठीक है. कब बनता है, जब न्यूक्लियस, जब सेल डिवीजन के कगार पे आता है, जब डिवीजन होने लगता है सेल में, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर, ठीक है. इतना समझ में आ गया, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं जी, ब्रेन ऑफ सेल. ये डबल लेयर्ड होता है, ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड द साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट है क्या, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम व्हिच आर विजिबल रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड. अंडरस्टैंड. अब हम फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में पहला पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शंस. दिस इट इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स. होता क्या है कि हमारे इन मतलब बॉडीज में, ठीक है, रिप्रोडक्शन एक बहुत ही अहम प्रोसेस है, ठीक है. रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या है कि हमारा जनरेशन जो बढ़ता है, पॉपुलेशंस जो है हमारे देश की या विश्व की, वो नहीं दिखती. रिप्रोडक्शन इसका बहुत ही बड़ा कारण है. टू गिविंग बर्थ टू न्यू यंग वंस, ये रिप्रोडक्शन के थ्रू ही पॉसिबल है. और रिप्रोडक्शन किसके थ्रू पॉसिबल है भाई, न्यूक्लियस के, ठीक है. तो न्यूक्लियस करता क्या है कि इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन. सेल के रिप्रोडक्शन में ये बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि देखो सेल रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है. सेल रिप्रोड्यूस मतलब एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, ठीक है. तो सेल्स के रिप्रोडक्शन में ये महत्वपूर्ण है,
ठीक है। तो न्यू यंग वंस भी प्रोड्यूस होने में सेल्स का ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेल क्योंकि ये बेसिक यूनिट है, तो जब से बेसिक यूनिट डिवाइड्स नहीं होगा तब से कोई बड़ा यूनिट क्रिएट नहीं होगा, बड़ा एक कल्चर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट कंट्रोल्स द डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म इन सेल। भाई जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि इट इज़ द ब्रेन हाउस ऑफ सेल, ठीक है। ये एक ब्रेन है, तो दिमाग करता क्या है शरीर का, शरीर का किसी भी अंग, किसी भी शरीर का दिमाग करता क्या है, ये सारे बॉडीज में जो भी शरीर में जो भी फंक्शन होते हैं उनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने का काम किसका हुआ भाई, न्यूक्लियस का हुआ। एक और चीज़ देखिए, तो जैसे मान लीजिए एक सिंपल तरीका, हम अपना ही एग्जांपल ले लें, तो हमारे बॉडी में ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन करता क्या है कि हम कुछ भी चीज़ होता है, मतलब हमारे बॉडी में कोई भी या तो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो उनको कंट्रोल करना या उनको जनरेट करना ये काम कौन करता है, ब्रेन ही करता है, ठीक है। वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, तब जाके हमको कोई भी इफेक्ट दिखता है। तो कंट्रोल ऑल द डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन सेल। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ स्टोर ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस क्या है भाई, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता क्या है, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि पेरेंट बॉडी से, ठीक है, पेरेंट्स बॉडी से जो भी न्यू यंग वंस बॉडी है उसमें कैसे पहुंचा, ठीक है, ये पेरेंट्स बॉडी का इन्फॉर्मेशन होगा और वो न्यू बॉडीज में होगा, और वो इन्फॉर्मेशन उसको पहुंचा कैसे ये उसका आभास उसको भी नहीं होगा। देखिए हमारे दो ट्रेड्स हैं, ठीक है, जैसे मतलब एक होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है, तो एक्वायर्ड ट्रेड्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा कि इनहेरिटेड ट्रेड्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा। देखिए इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होंगे वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, और एक्वायर्ड ट्रेड्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्वायर्ड मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड मतलब होता है कि ऐसा इन्फॉर्मेशन जो बंदा क्या करे कि इन्वायरमेंट से ले, अपने आसपास के सराउंडिंग से ले। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर मदर फादर इंग्लैंड में रहे हों, ठीक है, बाहर किसी आउट ऑफ कंट्री रहे हों, उनको हिंदी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मगर जो बेबी है उसका जब जन्म हुआ वो आ गया इंडिया में, तो इंडिया और यहाँ के कल्चर में आने के बाद क्या होगा कि वहाँ के कल्चर से, अपने मदर फादर के कल्चर से थोड़ा सा बच्चे का कल्चर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो डिफरेंट होने का कारण क्या है कि ये यहाँ के इन्वायरमेंट से वो कल्चर को एक्वायर्ड किया, ठीक है, तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर में आता है। और इनहेरिटेड कैरेक्टर मतलब आदमी बोलता है ना कि हर आईज लुक लाइक हर मदर्स आईज, हर हेयर लुक्स लाइक हर फादर्स आईज, हर बॉडी स्ट्रक्चर लुक लाइक हर फादर बॉडी स्ट्रक्चर, तो क्या होता है कि उसका शरीर पिता के जैसा दिख रहा है या उसका शरीर माता के जैसा दिख रहा है, तो होगा क्या कि उसको खुद पता नहीं है कि हम उनके जैसा दिखने लगे कब से, ठीक है। वो जानकारी उसके लिए भी हमेशा जो बोलेगा वो जानकारी उसके लिए भी नया ही होगा, उसके लिए वो जानना बहुत ही मुश्किल है कि वो चीज़ उसमें आया कैसे, ठीक है। तो वो होता क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऐसा भी है कि मान लीजिए आप डीएनए का नाम सुने होंगे, क्रोमोसोम डीएनए, ठीक है। डीएनए होता क्या है, डीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, ठीक है। और इसी लगे आरएनए भी देख लें, तो आरएनए क्या होता है भाई, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें होता है डाइराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है, डीएनए पे भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ क्या है, इट आल्सो डिटेक्ट ऑल द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल, ठीक है। ये डिफरेंट फंक्शन सेल का परफॉर्म करता ही है, उसके बाद ये कंट्रोल क्या करता है भाई, केमिकल एक्टिविटीज भी जितने सेल में होते हैं उनको ये भी डिटेक्ट करता है, ठीक है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है, न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब देखिए न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में जो मैं बता रहा था तो उसमें क्रोमोसोम का भी नाम आ रहा था, ठीक है, तो हम फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या है, देखिए एक चीज़ है कि क्रोमोसोम यहाँ पे लिखे, क्रोमोसोम कंटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन द फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए मॉलिक्यूल्स। मैंने इनहेरिटेंस ट्रेट्स के बारे में आपको बताया है,
ठीक है, जैसे फंक्शन बता रहा था तो उसमें इनहेरिटेंस के बारे में बताया है। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, ऐसा जानकारी, ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, जो कि पेरेंट जनरेशन में है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मगर नेक्स्ट जनरेशन को ये आभास नहीं होगा कि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आया कहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं भाई, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। फिर एक बार रिकॉल कीजिए कि क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन से। एक चीज़ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक स्टडी अभी जो चल रहा है बायोलॉजी का ना, 9th 10th ये सब जो चल रहा है अभी, एक चीज़ ये है कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों का एक एम होता है, टारगेट होता है छोटे पर से ही, बचपन से ही, कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे गवर्नमेंट प्रिपरेशन करना है, गवर्नमेंट जॉब्स का। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब आगे जाइएगा ना, जनरल प्रिपरेशन में जाइएगा, तो कुछ अलग चीज़ बायोलॉजी में नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी में यही सब चीज़ पढ़ना है, ठीक है। क्रोमोसोम किससे बना है, ये मतलब रिसेंट क्वेश्चन आया है एसएससी में, ठीक। तो ये सब क्वेश्चंस जो आते हैं कि क्रोमोसोम क्या क्या है भाई, डीएनए प्रोटीन, ये सब बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म ये सब पूछता है, ठीक है। तो होता क्या है कि आप बेसिक स्टडीज जो कर रहे हैं उस पर आप मतलब कोई भी स्टडी आप करिए तो एक चीज़ नहीं है कि बस हमको एग्ज़ाम में नंबर लाना है और पास हो जाना है। इस नेचर से अगर आप स्टडी करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, नंबर भी ला देंगे, मगर आपका नॉलेज स्टेबल नहीं होगा, वो भूल जाइएगा पास होने के बाद, खुशी में भूल जाइएगा, ठीक। इसलिए नॉलेज रखिए और वो सटीक नॉलेज रखिए कि ताकि कुछ दिन तक चले वो चीज़, ठीक है ना। उसके बाद रिवीजन जरूरी है भाई। अगर आप, मैं क्लास लेते जा रहा हूँ और आप वीडियोज़ देखते जा रहे हैं और रिवीजन नहीं कर रहे हैं वीडियोस का, या आप जो नोट्स बनाए उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू यू, आपकी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, समझ में आ रहा बात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आगे आपको। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स, ठीक है। जीन जो होते हैं, डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको जीन बोलते हैं। देखिए जीन्स के बारे में आपको अभी पढ़ना नहीं है, इट्स द टॉपिक ऑफ क्लास 11th, ठीक है, मगर आपको ये लाइन जरूर याद रखना होगा कि द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट जो होता है वो क्या है, जीन्स है। जब फंक्शंस आएंगे क्रोमोसोम के लिखने के लिए एग्जाम में, तो आप ये चीज़ ऐड कर सकते हो। देखिए, इन नॉन डिवाइडिंग सेल दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। ये नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस का एक डायग्राम है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ये जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, ये क्रोमैटिन मटेरियल्स हैं। नॉन डिवाइडिंग सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉन डिवाइडिंग सेल में स्ट्रक्चर ये जो डीएनए के प्रेजेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल में। थैंक यू, आगे भी और वीडियोस आएंगे और आप पीछे के क्लासेस को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चल रहा है अभी आपका, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ही चल रहा है अभी सेल, ठीक है ना। तो इसको आप रिवीजन में। नेक्स्ट हम देखते हैं तो न्यूक्लियोइड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंस के चलते, ठीक है, जो न्यूक्लियर रीजन है बैक्टीरिया का वो पुअरली डिफाइंड होता है, ठीक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एब्सेंस है मतलब, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ है अगर उसका मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात, कोई भी चीज़ है अगर उसका मेम्ब्रेन नहीं है मतलब उसका बाउंड्री नहीं है तो वो क्या है, अनसेफ है, ठीक है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अगर मान लीजिए मेरा ही घर है और घर में बाउंड्री नहीं हो, ठीक, तो घर में बाउंड्री नहीं हो तो क्या है, मेरा एक तरह से घर अनसेफ है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन न्यूक्लिक एसिड। जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है वो क्या कंटेन करता है भाई, न्यूक्लिक एसिड को कंटेन करता है, और न्यूक्लिक एसिड कंटेन यहाँ पे होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं, ठीक। ये इसका डिफिनेशन हो गया एक तरह से, व्हाट इज न्यूक्लियाइड, सच द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, ठीक।
आप इसको जब भी लिखिएगा तो बैक्टीरिया के रेफरेंस में ही लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए साइटोप्लाज्म पे आते हैं हम। साइटोप्लाज्म हमारे सेल का एक अहम पार्ट है जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना इसको। ऐसे पीछे के लेक्चर में हम कभी कभी बात बात में भी समझा चुके हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भाई क्या होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जितने जो फ्लूइड कंटेन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, वो साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो फ्लूइड कंटेन्स किए जाते हैं, ठीक है, जो सेल फ्लूइड कंटेन करता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। इट ऑल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल्स, ईच ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द सेल। होता क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है अपने अंदर सारे, उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो वो करता क्या है कि एम्बेडेड होने के चलते साइटोप्लाज्म जो है वहीं पे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वहीं अपना सारा फंक्शन करते हैं, वहीं पे साइटोप्लाज्म में ही। अब हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म का फंक्शन देखते हैं। तो पहला क्या है? हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। भाई साइटोप्लाज्म है, मान लीजिए ये सेल का है, सेल का यहाँ साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे सारे ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये सारे मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे ना साइटोप्लाज्म से। जो भी मटेरियल उनके पास सफिशियंट होगा या साइटोप्लाज्म को जो मटेरियल की आवश्यकता होगी वो देंगे, या जो साइटोप्लाज्म मटेरियल है जो कि ऑर्गेनेल्स के लिए जरूरी है तो वो उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते रहता है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसके थ्रू होगा? साइटोप्लाज्म के थ्रू। या मान लीजिए एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स में कोई मटेरियल पहुंचाना है, तो मटेरियल को पहुंचाने के लिए कोई एक मीडियम चाहिए ना, तो मीडियम चाहिए, तो वही मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्टोर वाइटल केमिकल्स सच एज एमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स एंड आयरन। ये करते क्या है भाई? साइटोप्लाज्म में एमाइनो एसिड भी कंटेन करता है, ग्लूकोज भी कंटेन करता है, विटामिन्स भी कंटेन करता है, आयरन भी कंटेन करता है, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स ये कंटेन करता है, ठीक। थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो इट इज़ द साइट ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। देखिए जितना भी हमने ऑर्गेनेल्स अभी पढ़ा या जितना भी अभी पीछे हमने लेक्चर पढ़ा उसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो आपको, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और एक चीज़, अगर आपको ये सारे वीडियोस समझ में आते हैं, ठीक, सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को भी बोलिए, उनको भी शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी नए नए वीडियोज़ होंगे, ठीक है, वो सारे उन तक पहुँचेंगे। आप लोगों का लॉकडाउन में पढ़ाई लॉस ना हो, इसीलिए ये सारा प्रोसेस चल रहा है अभी, ठीक है। थैंक यू।